नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देख न्यूज़ में। ये बात तो सबको पता है कि पाकिस्तान और चीन हमेशा ही भारत के लिए मुसीबतें खड़ी करते रहते हैं। उनकी हरकतों पर नजर रखने के लिए, मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जरूरी है कि इंडियन एयरफोर्स और आर्मी दोनों ही लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स यानी कि LCH को सीमाओं पर तैनात करें। असल में इन हेलीकॉप्टर का उपयोग वहां किया जाता है जहां पर फाइटर जेट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। LCH का मुख्य काम होता है कॉम्बैट सर्च और रेस्क्यू, यानी युद्ध के समय में अपने सैनिकों को खोजकर उन्हें बचाना, दुश्मन के हवाई डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से नष्ट करना यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस डेड, घुसपैठ रोकना, ड्रोन अनमैन्ड एरियल व्हीकल आदि को मार गिराना, अधिक ऊंचाई पर मौजूद दुश्मन के बंकरों को भी ध्वस्त करना, ये सब काम होते हैं एक LCH के। रतीय वायुसेना द्वारा जोधपुर में एयरबेस पर लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का स्क्वाड्रन तैनात करने की पूरी पश्चिमी सीमा सुरक्षित हो जाएगी। सीमा पार से कैसे भी नापाक हरकत को मुंह तोड़ जवाब देगा यह हेलीकॉप्टर। यह हेलीकॉप्टर नहीं, आसमान में उड़ती मौत है। सबसे बड़ी बात यह है कि अटैक हेलीकॉप्टर्स की जरूरत इसलिए होती है कि आप किसी VVIP को सुरक्षित कहीं पहुंचा सकें, हथियारबंद होकर निगरानी और जांच कर सकें। एक अनुमान के अनुसार अटैक हेलीकॉप्टर किसी युद्ध की स्थिति में अपनी कीमत से 17 गुना ज़्यादा कीमत के टारगेट्स को ध्वस्त कर देते हैं, यानी ये काम के हैं। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल वहाँ किया जाता है जहाँ पर फाइटर जेट्स की ज़रूरत नहीं होती। भारत में बना LCH दुनिया का इकलौता अपनी कैटेगरी का सर्वश्रेष्ठ हेलीकॉप्टर है। यह एक अत्यधिक ऊँचाई वाले इलाकों से लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकता है, वहाँ पर हमला भी कर सकता है। फाइटर जेट से कम रफ्तार में ज़्यादा सटीक और घातक हमला करने में सक्षम होते हैं ये हेलीकॉप्टर, क्योंकि फाइटर जेट ज़्यादा गति में उड़ते हैं और उनका इस्तेमाल अलग होता है। सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए भी यह हेलीकॉप्टर ज़्यादा उपयुक्त है। दोस्तों, इस वीडियो में केवल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देख न्यूज़।